टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज हमें क्या-क्या पढ़ना है फर्स्टली हम देखेंगे हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने क्या-क्या पढ़ लिया था फर्स्ट हमने सेल क्या होता है ये पढ़ लिया था सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ था किसने डिस्कवर्ड किया था कब डिस्कवर्ड किया था ये पूरा पढ़ लिया था एंड देन हमने जो और भी पार्ट्स सेल के होते हैं कुछ अलग थ्योरीज पढ़ी थी एंड देन हमने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और हमने पार्ट्स ऑफ सेल में जो एक पार्ट पढ़ चुके थे हम पहले से कवर कर चुके थे वो क्या था हमारा एक पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन इसको हम पहले से कवर कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ लिया था आज हम दूसरा पार्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे नहीं डाला है क्यों क्योंकि आज वो हमारा कवर नहीं होगा वो मैं में आपको पढ़ाऊंगी आज हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है जो हमारा फिफ्थ पार्ट इस टॉपिक का जो बचा हुआ है सबसे बड़ा टॉपिक है वो है हमारा सेल ऑर्गेनलीज ठीक है सेल, ऑर्गेन ठीक है उसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को हम पहले ही कवर कर चुके हैं चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की हम कहा से करेंगे सेल वॉल से करेंगे देखिए जब हम पढ़ रहे थे बेटा जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल होती है ये सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है लेकिन बेटा ये बात अप्लाई तब होगी जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हो एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होती है याद रखेंगे हम एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होती है आउटर लेयर होती है वो होती है है सेल मेम्ब्रेन ठीक तो हम क्या कह सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ आउटर लेयर हमारे सेल किस टाइप के हो गए सेल को पढ़ेंगे प्लांट सेल अलग से पढ़ेंगे एनिमल सेल अलग से पढ़ेंगे क्यों क्योंकि तो एनिमल सेल में बेटा क्या होता है सेल वॉल आउटर लेयर होती है वहां ऐसा नहीं है कि अगर सेल वॉल आउटर लेयर है तो प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी प्रेजेंट ही नहीं है वो भी प्रेजेंट है लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल्स में आउटर लेयर होती है जबकि जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में होती है क्यों होती है वो मैं अभी आपको जब ये सेल वॉल पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी ये चीज बतानी इंपॉर्टेंट थी वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने लेक्चर में तो बताया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर लेयर अब आप बोल रही हैं कि सेल वॉल होती है अब शायद आप सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली ओनली बेटा यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि और में भी प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है देखिए बेटा जब मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है ऑन दी अदर हैंड आपकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखिए आपका जो सेल मेंब्रेन है वो सेल वॉल्व है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बहुत आता है तो पॉइंट्स को याद करते हुए चलना एंड देन सेकंड आपका थर्ड पॉइंट है फ्रीली परमिएबल हमने ये पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है वो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है उसी को अलाउ करती है लेकिन जो आपकी सेल वॉल होती है बेटा ये कोई ऐसा यहाँ रूल नहीं है कुछ भी अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है ये बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कराती है चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आल्सो हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ द शेप ऑफ द सेल देखिए बेटा आउटर कवरिंग होती है एनी प्लांट सेल में इस वजह से ये क्या होती है शेप को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती है सेल के एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूल्योस किसकी होती है सेल्यूल्योस की बनी होती है हमने क्या पढ़ा था उसमें इसमें सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई थी लेकिन हमारी जो प्लांट की सेल वॉल होती है प्लांट की जो आउटर लेयर होती है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है देखिए सेल वॉल हमारी फंजाई में भी प्रेजेंट होती है और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी हुई होती है एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल्स जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा उनकी भी क्या होती है उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है वो बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल बिकॉज दे कैन मूव देखिए बेटा अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैम आपने बोला था कि सेल सब में बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं तो ऐसा क्यों कि एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस और प्लांट का डिफरेंट कुछ तो रीजन होगा रीजन बहुत बड़ा है देखिए बेटा हम क्या होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं कंडीशंस होती हैं जब नॉर्मल आते हैं हम एक कैपेबल होते हैं उनसे बचने के लिए ठीक है अगर कुछ होता है कुछ भी कंडीशन है हम हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं क्यों क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं On the other hand, जो हमारे plants होते वो stationary होते हैं हैं वो वो नहीं कर सकते उन्हें क्या चाहिए ज़्यादा की ज़रूरत है as compared to animals. इस वजह से क्या होता है ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इस वजह से क्या होता है प्लांट के पास सेल वॉल होती है क्या करती है सेल वॉल उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है ठीक है जहां पर हमने देखा था हमारी जो सेल थी वो फ्लेक्सिबल होती है ये फ्लेक्सिबल नहीं होती ये टफ होती है ताकि ये किसी भी सिचुएशन में ये सरवाइव कर सके जो प्लांट सेल है और ये जो फंजाई का है फंजाई भी जो आपकी होती है बट मूव नहीं कर सकती ये भी स्टेशनरी होती है यही रीजन है कि प्लांट सेल में वॉल होती है और एनिमल सेल में वॉल नहीं होती है ये काफी अच्छे से समझ आ गया होगा चलिए कंपैरिजन काफी आता है तो थोड़ा सा बता दूं सेल वॉल और इसका बता देती हूं यही सामने-सामने लिख देती हूं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है और इसका तो लिखा ही हुआ है प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली इधर डाल देती हूं मैं सेल मेम्ब्रेन इसी के ऊपर डाल देती हूं आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा क्योंकि चैप्टर को कनेक्ट करके चलना बहुत जरूरी है अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक टॉपिक हमने आज पढ़ लिया और कल वाला भूल गए पूरा चैप्टर बेटा स्किप हो जाएगा इसलिए आपको याद रखना है कि हमने पहले क्या पढ़ा था वरना सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली तो हम सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखेंगे प्रेजेंट इन एनिमल सेल एनिमल्स हैं नॉन लिविंग इन नेचर सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है लिविंग होती है फ्रीली परमीएबल होती है सेल वॉल लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल यहां पे ये किसके सेल का प्लांट सेल का लेकिन ये किसका डिटर्मिनेशन कराती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल का ठीक है एंड द नेक्स्ट प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड की एंड लिपिड्स की ठीक है डोंट एनिमल डोंट है इसमें हम क्या लिख सकते हैं प्लांट हैव सेल वॉल बिकॉज प्लांट्स हैव सेल वॉल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मूव नॉट एबल टू मूव देखिए मैंने कंपैरिजन भी बता दिया आपको एक बार दोबारा से मैंने पूरी सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दी और ये कंपैरिजन बता दिया अब आपको काफी अच्छे से सेल वॉल समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम अपने सॉरी सॉरी बेटा फंक्शन ऑफ सेल वॉल अब हमने सेल वॉल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे सब पढ़ लिया फंक्शन की बारी आती है अब क्या-क्या फंक्शन -क्या होते हैं प्रोटेक्ट दी ऑफ सेल मैंने आपको बताया था कि जो आउटर कवरिंग होगी वो प्रोटेक्शन का फंक्शन कर रही होगी वो जो सेल है उसको बैक्टीरिया से वायरसेस से एनवायरमेंटल कंडीशन से सबसे क्या कर रही होगी प्रोटेक्ट कर रही होगी उसी तरीके से प्लांट्स में सेल वॉल तुम्हारी आउटर लेयर होती है इस वजह से वो क्या करती है प्रोटेक्शन करती है फ्लेक्सिबल नहीं होती है जैसे कि आपकी वो होती थी सेल ये टफ होती है इस वजह से क्या करती है ये सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है ठीक है नेक्स्ट आल्सो प्रोवाइड दी टर्जिडिटी टू दी सेल टर्जिडिटी क्या होता है बेटा एबिलिटी ऑफ दी एनीथिंग कुछ भी किसी की भी एबिलिटी टू विद स्टैंड इन अ हाई प्रेशर या फिर अपने जो प्रेशर है उसमें क्या करना प्रेशर की कंडीशन में भी वो चीज बनी रहे प्रेशर को झेलने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं टर्जी डिटी तो ये होती है जो सेल को क्या है टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है ठीक है क्या सेल वॉल प्रोवाइड कराती है चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियस बेटा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ये काफी इसके फर्दर डिवीजन हो जाते हैं इसके पार्ट्स होते हैं काफी लेकिन कह सकते हैं सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है क्योंकि इसके बिना आप देख रहे होंगे ब्रेन ऑफ दी सेल माइंड होता है ये पूरे सेल को चलाता है आपका जो न्यूक्लियस होता है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना अच्छे से पढ़ना ठीक है मैं भी कोशिश करूंगी अच्छे से आपको समझा पाऊ न्यूक्लियस आइए ब्रेन ऑफ दी सेल बोलते हैं क्यों बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखा है रेगुलेट दी फंक्शन ऑफ अनदर अदर सेल ऑर्गेनलीज देखो बेटा हमारे सेल के अंदर ये क्या है पार्ट ऑफ सेल है सेल ऑर्गनली एक दूसरा पार्ट है हमारे सेल के अंदर कई सेल ऑर्गोनलीज प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गोन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है है ठीक तो ये क्या करता है सभी सेल ऑर्गनली रेगुलेट करता है जो वो फंक्शन करती है उसको ऑर्डर देता है इसलिए हमने क्या बोला सेल को ब्रेन ऑफ द सेल बोला तो ये दोनों पॉइंट क्या है इंटरकनेक्टेड है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकेटेड इन अ सेंटर ऑफ अ सेल सेल के जो है सेंटर में लोकेटेड होता है ये सेंट्रली लोकेटेड होता है देखिए बेटा अगर ये सेल है आपका तो न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ प्रेजेंट होगा ठीक है क्या होता है ये ऐसे पूरे में साइटोप्लाज्म होता है एंड देन इधर ही आपकी जो अदर सेल ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? ऐसे ऐसे करके जो अदर सेल हैं वो प्रेजेंट होती हैं राइबोसोम्स होते हैं आपका ये गोलजी अपरेटस होता है ठीक है ऐसे करके आपका कुछ समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपको ये याद रखना है जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है ठीक है चलिए, ये बताइए किसका सेल है प्लांट सेल है या एनिमल सेल है अभी बताइएगा रुक जाइए होप सो आप सभी आंसर कर पाएंगे ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है Exactly ये हमारा क्या क्या है 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 क्यों क्योंकि इसमें जो चलिए हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस देखिए बेटा न्यूक्लियस जैसे कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट जो होता है जैसे कि हमने सेल में पढ़ा था क्या सबसे पहले उसकी आउटर लेयर क्या आती है या सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके से न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग लेयर होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियर एनवलप मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्यों लिखा है ये समझाती हूँ बेटा जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो कुछ ऐसी होती है एक मेम्ब्रेन एंड देन ये ऐसे ये टू हो गई ना एक ये हो गई एक ये हो गई इसलिए है जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो दो से बना होता है ऐसे ऐसे करके आपके पूरे सेल में क्या होती है इसकी होती है समथिंग लाइक दैट कुछ होता है तो मेरी आर्ट बहुत ज्यादा गंदी है तो माइंड मत करना थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि ऐसा होता है ठीक है आपका जो न्यूक्लियर की जो आउटर कवरिंग होती है कुछ ऐसी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लास देखिए ये लाइन में आपको थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझाती हूँ डायग्राम मैं क्लियर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरी आर्ट थोड़ी सी ज्यादा खराब है ठीक है लेकिन ट्राई करती हूँ समझाने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए ये आपका मान लीजिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये आपका सेल है ठीक है ये न्यूक्लियस है 好啦，嗯。Mm hmm. सेल मेम्ब्रेन तो है एंड इज साइटोलास साइटोप्लास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट दी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ठीक है अब इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर एनवेलप है ये न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियर ठीक है देखिए आपको ये डायग्राम से समझ आएगा कि ये जो बीच में आ रहा है साइटोप्लाज्मेन के जो बाद वाला आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है जो पूरे सेल में भरा हुआ होता है एंड देन पहले आपका क्या आ रहा है न्यूक्लियर एनवेलप आ रहा है उसके बाद न्यूक्लियस आ रहा है इस वजह से बोला है इससे काफी क्लियरली समझ आ रहा होगा ये इतना बेटर नहीं बना है पर समझ आ रहा होगा कि ये जो न्यूक्लियर नुकल, एनवलप होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है अलग अलग करके रखता है ठीक है इट ऑल्सो कवर्स दी न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा इसने न्यूक्लियस को कवर कर रखा है पूरे तरफ से चलिए

इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं पहले नाम याद रखिए इनको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इनका फंक्शन क्या होता है दिस पोर्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द एंड प्लाज्म देखिए बेटा बहुत थोड़ा सा आप कंफ्यूज ये पढ़ के हो रहे हो मैं भी बताती हूँ क्या होता है ये न्यूक्लियर पोर है साथ में जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आपको लेबलिंग बताती जा रही हूँ ठीक है न्यूक्लियर पोर है अब आपका लाइन में लिखा है ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियो तो ये क्या कर रहे हैं जो न्यूक्लियर पोर हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियो के जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं ठीक है समझ में आ रहा होगा देखिए एक बार फिर से समझाती हूँ न्यूक्लियर एनवेलप आया न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो कंटिन्यूस नहीं था उसमें बीच बीच में पोर्स थे अंदर आपका क्या आया न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस था न्यूक्लियस की जो अंदर होता है मटेरियल उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और जो न्यूक्लियर पोर्स थे बेटा उनका क्या फंक्शन था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियो के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रहे थे चलिए इतना समझ आ गया होगा हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेट्स मूव ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप देखिए मैंने आपको अभी भी पढ़ाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक नया टर्म सीखा आपने न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ भी बोल दीजिए ठीक है इसी के बेसिस पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए हम बहुत अंदर जा चुके हैं सेल के सेल वॉल पढ़ ली साइटोप्लाज्म पढ़ा उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप आया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने क्या किया ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया दैट इज योर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा इनमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन well नहीं होती, है, सकते? होती ही नहीं है इसको कुछ कवरिंग नहीं होती है इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में वैसा का वैसा ही रहता है कोई कवरिंग नहीं होती कोई प्रोटेक्शन नहीं होता ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है एंड देन ये जो प्रो कैरियो होते हैं बेटा ये काफी छोटे होते हैं साइज में ठीक है इनका साइज काफी छोटा होता है क्या होता है वन टू टेन माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का कुछ ऐसा साइन होता है ठीक है वन टू टेन माइक्रोमीटर के होते हैं एग्जाम्पल में आपका आता है bacterias. जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे प्रो के अंदर आते हैं नेक्स्ट क्या यू कैरियोड बिल्कुल इनके अलग होते हैं यू कैरियोड क्या होते हैं वेल डिफाइंड क्या है? होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है And then they are larger in size, इनका size भी काफी बड़ा होता है से माइक्रोमीटर का होता है एग्जाम्पल इसके प्लांट्स फंजाई एंड एनिमल्स ये जो होते हैं या कह सकते हैं बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे यू होते हैं इनमें बेटा वेल डिफाइन ऑर्गेज वगैरह सब होते हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है भी इनमें सब नहीं होती है ठीक है चलिए न्यूक्लियोप्लाज्म हम कंपोनेंट ऑफ़ सेल पढ़ रहे थे हमने पहले क्या कंपोनेंट ऑफ दी न्यूक्लियस पढ़ रहे थे हम न्यूक्लियस को पढ़ा हमने पहले क्या पता लगाया कि ब्रेन ऑफ दी सेल होता है रेगुलेट करता है अदर सेल और फंक्शन उसके बाद कंपोनेंट पढ़ रहे थे उसमें न्यूक्लियर एनवलअप हमने पढ़ लिया था अब हम क्या पढ़ेंगे सेकंड सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिले थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया था अब हम सेकंड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ेंगे मैंने न्यूक्लियो के बारे में थोड़ा सा डायग्राम में बता दिया था वही है सेकेंड कम्पोनेंट दैट इज न्यूक्लियो जो कि अनदर कम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लिक्विड सब्सटेंस ऑफ आ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इट इज कवर्ड द न्यूक्लियर एनवेलप डायग्राम से काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है कवर करके रखता है ठीक है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियो देखिए जैसे हमने न्यूक्लियस के कंपोनेंट पढ़े न्यूक्लियस के कंपोनेंट में क्या क्या पढ़ा हमने देखिए ऐसा है सबसे पहले आपका आया न्यूक्लियस न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट पढ़े क्या न्यूक्लियर एंड प्लास्म ये दो चीजें कहाँ थी न्यूक्लियस के अंदर थी अब बेटा हमारा न्यूक्लियो के अंदर भी कुछ होता है इसीलिए बोला था न्यूक्लियस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है अब हम न्यूक्लियो के अंदर क्या क्या हमें मिलता है क्या होता है वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस होते हैं ठीक है पहली जो चीज हमें न्यूक्लियो के अंदर मिलती है जैसे सैटो के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनाइज पाई जाती है ना उसी तरीके से न्यूक्लियो के अंदर भी काफी चीजें पाई जाती हैं न्यूक्लियोलस फर्स्ट जो कंपोनेंट हमें मिलता है दैट इज न्यूक्लियोलस कैन बी मोर देन वन इन नंबर न्यूक्लियोलस बेटा जो होते हैं न्यूक्लियो के अंदर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं इनका कोई वो नहीं है कि नहीं इतना फिक्स्ड अमाउंट इतने ही होंगे एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स व्हिच फॉर्म्स प्रोटीन देखिए बेटा न्यूक्लियोलस क्या करते हैं आपके जो होते हैं ये हेल्प करते हैं राइबोसोम्स के फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में राइबोजोम बेटा प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है राइबोसोम क्या करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं इसलिए जो आप बस इतना याद रखना है राइबोसोम्स है हमारे न्यूक्लियस में बन न्यूक्लियोलस में बनते हैं और क्या है ये राइबोसोम्स प्रोटीन को फॉर्म करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम हमारा मटेरियल पढ़ेंगे क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है ये भी क्या है सेकेंड कंपोनेंट है किसका न्यूक्लियोप्लाज्म का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म

सेल डिवीजन होती है ना तब क्या होता है बेटा आपका यही जो क्रोमेटिंग मटेरियल है यही आपका जब ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट हो जाता है अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाता है तब ये बन जाता है क्रोमोजोम और ये चीज कब होती है सेल डिवीजन के टाइम पर होती है ठीक है इतना ही पढ़ना था हमने देखिए हमने क्या पढ़ा पहले थोड़ा सा रिवाइज करिए बार बार भूलें ना इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि जब हम चीजों को रिकॉल करते हैं तो याद हो जाती हैं क्या पढ़ रहे थे न्यूक्लियस पढ़ रहे थे पहले न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस और फीचर्स देखे एंड देन हमने कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस देखा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में क्या था सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ दी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा था एंड देन हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियर एनवेलप के बाद ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा न्यूक्लियो पढ़ा फिर हमने न्यूक्लियो के भी फर्दर दो कंपोनेंट पढ़े दैट इज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस क्या कर रहा था हमारी प्रोटीन वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था क्यों क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स पढ़ रहे थे एंड देन हमने क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में पढ़ा थर्ड लैक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियो प्लाज्मा पाया जाता है तो ये इसी स्ट्रक्चर से जब सेल डिविजन होती है हमारे क्रोमोजोम्स बन जाते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोजोम नेक्स्ट स्लाइड में हम यही पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं ठीक है थीके? चलिए क्रोमोजोम्स आई थिंक लास्ट ओके साइटोप्लाज्म भी अभी क्रोमोजोम इट इज आल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये भी जैसे कि हमारा क्रोमेटिन मटेरियल था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है ठीक है व्हेन क्रोमेटिन अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर क्रोमोसोम्स फॉर्म यही तो बताया था जब क्रोमेटिन जो होती है रेगुलर मैनर में अरेंज हो जाती है क्रोमोजोम बन जाता है मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन जो बेटा होते हैं वो डीएनए के और किसके प्रोटीन के बने हुए होते हैं मतलब कि डीएनए जो है यही पाया जाता है और डीएनए किसका बना होता है जीन्स का बना होता है मतलब कि जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के ऊपर पाया जाता है जीन्स बेटा बहुत जीन्स को क्या है? है बोलते हैं हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं ठीक है थिक्या? याद रख लो है, यूनिट बोलते हैं क्यों बोलते हैं बेटा ये जीन्स ही हैं जो एक कैरेक्टर को एक जेनरेशन कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है ट्रांसफर क्या देखिए बेटा आपने आपने बोल आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा या खुद भी बोला होगा कि ये जो है इसकी ये चीज इसकी मम्मा से मिल रही है या इसके फादर से मिल रही है ये चीज हम बोलते हैं ना ये कैसे आ गई किसी की हाइट है कलर है फीचर्स फीचर कैसे बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे सेम हो जाते हैं क्यों क्योंकि जीन्स का बेटा क्या होता है ट्रांसफर होता है विद हेल्प ऑफ जीन्स क्या होते हैं कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं इसीलिए जीन्स को क्या बोलते हैं हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं और जीन्स कहाँ मिल रही है क्रोमोजोम्स पर सॉरी डीएनए पर मिल रही है डीएनए कहाँ है क्रोमोजोम जो है डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है स्लाइड की तरफ हम आ गया यहाँ थोड़ा सा न्यूक्लियस को रिवाइज करने की जरूरत है बता दूं क्या चलिए बता देंगे इधर प्लेस है थोड़ी जी करता कि भूल ना जाए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है यही पे बता देती हूँ या फिर दूसरी स्लाइड ले लूँ चलो यहीं बता देंगे छटा सही बना लो ये देखिए आपका मान लीजिए सेल है ये सेल के अंदर ऐसे ऐसे कुछ न्यूक्लियर एनवलप है न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है इसके बाद क्या पढ़ा था हमने था था ये बन नहीं पाएगा इसमें कोशिश ऐसे के अंदर क्या था हमारा न्यूक्लियो पहले हमने क्या पढ़ा था न्यूक् न्यूक्लियर एनवलप एंड देन न्यूक्लियो प्लास्ट फिर न्यूक्लियो प्लास्ट के अंदर भी हमारी चीजें मिल रही थी क्या मिल रहा था न्यूक्लियोलस एंड देन हमारे क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा नंबर में हो सकते थे और क्या कर रहे थे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे थे जो कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल होती है क्रोमेटेन से क्या बन रहा था क्रोमेटेन से क्रोमोजोम बन रहा था क्रोमोजोम क्या होता है बेटा क्रोमोजोम भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमेटिक मटेरियल से बनता है ठीक है एंड देन हमारे क्या था जो क्रोमोसोम्स थे वो डीएनए और प्रोटीन से बने हुए थे डीएनए क्या होते हैं डीएनए के ऊपर हमारे जीन्स जीन्स पाए जाते हैं क्या करते हैं एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं ये पूरा न्यूक्लियस हमारा फिनिश हो गया चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल की तरफ चलते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये है हमारा स्... ये सेल है एंड देन ये मान लीजिए न्यूक्लियर एनवलप है तो यहाँ प्रेजेंट होता है तो यही तो है ये न्यूक्लियर एनवेलप है ये तुम्हारा क्या सेल मेम्ब्रेन है तो साइटोप्लाज्म इन दोनों के बीच में ही तो है इसीलिए बोला है प्रेजेंट बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप अ लिक्विड दैट फिल्स ईच एंड एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन ये एक लिक्विड है या सॉल्यूशन है जो प्रेजेंट होता है हर सेल में और किससे बंद होता है किसकी कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की ठीक है साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना इसमें भी कुछ दो पार्ट्स होते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं पर फर्स्ट है आपका साइटोसोल इट कंटेन वॉटर एंड अदर पार्टिकल्स लाइक मिनरल्स आयंस एक्सेट्रा जो बेटा आपका साइटोसॉल में हमारा क्या आता है आप में जो मिनरल्स होते हैं सबसे पहले तो वॉटर आ गया और क्या आ गया मिनरल्स आयंस ऐसी जो चीजें हैं ये आपकी साइटोसॉल के अंदर आती है नेक्स्ट हमारा साइटोसोल में क्या प्रेजेंट होता है सभी सेल ऑर्गनाइज कुछ के एग्जांपल दिए हैं यहाँ ईटीसी लिखना था राइबोसोम्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे ठीक है ये हो गया आपका साइटो प्लाज्म फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म देखिए बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है काफी जगह कवर करता है हमारे सेल की तो जो रिएक्शंस जितनी भी होती हैं ना सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो सभी किसमें होती, होती है जैसे कि देखिए हम्म पहले ये पॉइंट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जो देखिए पहले तो जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो सारी किसके अंदर हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है हो रही, क्योंकि ये पूरा लिक्विड सब्सटेंस है जो किसमें सेल के अंदर भरा हुआ है ठीक है तो जो भी कुछ हो रहा है फंक्शन कर रही है क्योंकि हमने पढ़ा जितनी भी सेल ऑर्गेज है इसी में है

ठीक है राइबोसोम का हम ये पढ़ चुके हैं हैं कि राइबोसोम प्रोटीन प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन होते हैं। उन प्रोटीन का बेटा बना दिया अब वो पैकिंग के लिए गोल्जी बॉडी तक पहुंचेगा कैसे ट्रांसफर की हेल्प से पहुंचेगा ना उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना इसीलिए बोला ये जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म ही होता है ठीक है इसलिए ये जो फंक्शन है साइटोप्लाज्म के जो आपको पढ़ने थे तो आज की क्लास में जितना भी था मैंने पढ़ा दिया होप सो आपको समझ आया हो काफी डिटेल में पढ़ाया है मैंने रिवीजन भी करवाया है एक चीज का बार बार क्योंकि तो बार बार जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो हमें याद हो जाती है ठीक है ओके तो आज की क्लास मैं यही ओवर करती हूँ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड डे